हमें कोई भी एक बुक को पकड़नी चाहिए, उसे 4 to 5 times सॉल्व करना चाहिए। मेरे को खुद को बिलीव भी नहीं था कि मैं अगर कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो मैं एग्जाम निकाल लूंगा। 2021 के ड्रॉप में कुछ बच्चे ऊपर गए और कुछ बच्चे नीचे गए, तो मैं नीचे जाने वालों में था। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं जिनके ऑल इंडिया रैंक 331 है, मयंक अग्रवाल, जो कि अलीगढ़ से हैं, अलीगढ़ यूपी से हैं, और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ। तो सबसे पहले बेटा आपको मयंक भोपाल के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मयंक का ड्रॉप ईयर था, तो मयंक आपकी जो लास्ट ईयर जो आपने ड्रॉप लिया वो क्यों लिया, डिसीजन कैसे हुआ और आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयंक अग्रवाल, मैं अलीगढ़ यूपी से हूँ, मेरी ऑल इंडिया रैंक 331 आई है। तो मेरी जर्नी शुरू होती है 2018 से। 2018 में मैं यूट्यूब का वीडियो स्क्रॉल कर रहा था, तो स्क्रॉल करते करते मैंने सर का वीडियो देखा। उसका टाइटल था कि हमें कौन सी बुक से निमसेट या आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ठीक है, वो मैंने वीडियो खोला। वीडियो खोलने के बाद मुझे ऐसा कुछ वीडियो खास नहीं लगा, लेकिन सर जो बता रहे थे उसमें, वो सर ने बताया था कि हमें कोई भी एक बुक को पकड़नी चाहिए, उसे 4 to 5 times सॉल्व करना चाहिए। मिनिमम 3 times हमें उस बुक को सॉल्व करना चाहिए, ना कि हम बुकों का बंच बना लें और फिर उसे एक बुक को भी सॉल्व ना कर पाएं। तो सर ऐसा कुछ बोल रहे थे। ये बात मेरी मम्मा को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि वाह क्या बात कही है। मैंने कहा ऐसे कौन सी बात कही है। उस टाइम मेरे को कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर 2018 में मैं प्रिपरेशन करता गया, तो एक टाइम आया कि मेरे पापा को हार्ट अटैक पड़ गया। ठीक, फिर कुछ नहीं, 2-3 महीने में स्थिति संभल गई। फिर 2019 का टाइम आया, फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2019 में फिर पापा को अटैक पड़ गया। फिर 2020 में जैसे खुद को संभाला, घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभाला, उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में मैंने पापा से कहा कि पापा मुझे कोचिंग करनी है। उस समय काफ़ी सारे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट हुए थे, तो लोगों को भरोसा नहीं था कि ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करवाऊंगा तो कैसा होगा, कि ऐसा तो नहीं वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो मैंने पापा को समझाया, पापा वेस्ट ऑफ मनी नहीं है, एक बार करा के देखो, कुछ फ़ायदा ही होगा। तो पापा को तब भी विश्वास नहीं हुआ। तो ठीक है, मेरे को खुद को बिलीव भी नहीं था कि मैं अगर कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो मैं एग्ज़ाम निकाल लूँगा, क्योंकि हमारे सिटी में एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसकी मैंने बहुत कोचिंग करी है। 6th से उसका एंट्रेंस देता आ रहा हूँ। 6th में दिया था फेल, 9th में दिया था फेल, 11th में दिया फेल, बीएससी बीटेक में दिया फेल। तो उस समय सिलेक्शन नहीं होने की वजह से मेरे पापा को मेरे ऊपर से बिलीव हट गया। उन्होंने सोचा नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने कोचिंग नहीं कराई। फिर 2020 में मैंने सेल्फ स्टडी करी। 2021 का जो लॉकडाउन आया उसमें मैंने ब्रेक ले लिया, वहीं मैं डूब गया। वही कहते हैं ना, 2021 के ड्रॉप में कुछ बच्चे ऊपर गए और कुछ बच्चे नीचे गए, तो मैं नीचे जाने वालों में था। तो मैंने 2 महीने पढ़ाई छोड़ दी। 2 महीने पढ़ाई छोड़ने का रिजल्ट ये आया कि मेरी 3700 रैंक आई। 3700 रैंक आई, लगा कि कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, कहीं भी और यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर 2021 में डिसाइड किया, पापा से कहा कि पापा मुझे ड्रॉप लेना है। पापा एग्री हो गए, ड्रॉप लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा पापा फिर कोचिंग तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, ड्रॉप ईयर है, कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, कोचिंग करी। 2022 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी। करते गए, सर के मॉक दिए। और एक बात और, सर की मॉक को कभी मत छोड़ना। मतलब मैंने हर एक मॉक जरूर दिया है, चाहे प्रिपरेशन में हर एक वीडियो और हर एक मॉक, चाहे DPT स्किप कर दिया, लेकिन मॉक कभी स्किप नहीं किया, वीडियो कभी स्किप नहीं करी। तो 2022 का रिजल्ट आया, 331 रैंक आई। देखिए मयंक के साथ आपने सुना, एक तो फादर का अटैक आना, घर में कंडीशंस ऐसी होना, बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मयंक के साथ हुई। पर बोलते हैं ना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। फिर 21 में अच्छा रिजल्ट नहीं आना और काफ़ी आगे रैंक चली गई, कम होने की जगह आगे चली गई, पर देखो कम बैक किया और आज आपके सामने रिजल्ट है, NIT भोपाल आज इसके पास है। तो मैं आप सभी बच्चों को यही बोलूंगा कि जीवन में कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि अगर आप जिस दिन हिम्मत हार जाओगे, समझ लो उसके बाद आपका डाउनफॉल पक्का है। बाकी कितना भी आपका निगेटिव हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, जैसे आपने बोला कई बार अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए आप फेल हुए, पर इसके बाद भी ऐसा नहीं होता कि आप 10 बार फेल हो तो 11वीं बार पास नहीं होगे, होगे। जितने बार फेल हो रहे हो ना कुछ नया सीख रहे हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो। तो मयंक, आपका अपने जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज यही होगा कि कभी हार मत मानना। जिंदगी में तुम कितने भी फेलियर्स के साथ गुजरे हो, कितनी भी नेगेटिविटी तुम्हारे मन में आ रही हो, उसको दूर करना, लेकिन कभी तुम फेल मत होना। एटलीस्ट मतलब सोच में तो कभी फेल मत होना। अगर तुम खुद से जीत जाओगे तो तुम दुनिया को जीत लोगे। और कहते हैं ना, मुश्किलें आएंगी राहों में, तो हिम्मत करके तो देख,
ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू कोशिश करके तो देख। बहुत ही अच्छी बात बोली मयंक आपने, और मैं आप सबको यही बोलूंगा कि बिल्कुल कितनी भी मुसीबत आ जाए कभी भी रुकना नहीं है, मेहनत करनी है, और जैसे मयंक ने किया ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है इम्पीटस गुरुकुल में। बेटा आप ऐसे ही आगे बढ़ो और आगे भी कुछ अच्छा करो, जो आपका ड्रीम है उसे पूरा कर पाओ। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन इवन आपके पेरेंट्स को भी जिन्होंने आप पे क्योंकि भरोसा खोया था फिर भी उन्होंने ट्रस्ट किया और आज आपने उनको रिजल्ट दिया। थैंक यू।